वेलकम अंजुम्स किचन में वेलकम। आदाब दोस्तों, तो चलिए आज बनाते हैं बड़ी मजेदार सी प्रॉन की रेसिपी जो कि सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाएगी, और वो है स्पाइसी गार्लिक प्रॉन। बहुत मजेदार बनके तैयार होंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लेकिन आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे anjums.kitchen पे। यहाँ पे दोस्तों हमने ले लिया है प्रॉन, इसे हमने खूब अच्छे से साफ कर लिया है, जो आपको हमेशा बताते रहते हैं एक काली सी वेन होती है वो भी इसमें से हमने निकाल दिया। साथ में हमने ले लिया है कुछ लवाजमात जो कि कुछ यूं हैं, हल्दी है, मिर्ची है, यहाँ पे चिली फ्लेक्स हैं, यहाँ पे हरी मिर्ची है, इसको चॉप कर लिया है, लहसुन है बहुत सारा, इसे भी चॉप कर लिया है, नमक तो जाएगा ही लाजमी, साथ में ये बनाने वाले हम बटर के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा तरीका होगा वो ये है कि ये साफ किए हुए प्रॉन जो है हम यहाँ पे एक अच्छे से बाउल में डाल ले रहे हैं, क्योंकि हमें इसे थोड़े से मसालों के साथ मैरिनेट करना है। तो सबसे पहले इसमें डाल देते हैं हम हल्दी, हल्दी 1/2 टीस्पून के करीब इसमें जाएगी। मिर्ची आपके जायके के हिसाब से डालिए जितना आपको डालना है, हरी मिर्ची भी बाद में जाने वाली है इसलिए 1 टीस्पून हमने रेड चिली डाला। साथ में इसमें डाल देंगे नमक, नमक भी 1/2 टीस्पून के करीब डालेगा, बाद में इसको चेक कर लेंगे, टेस्ट कर लेंगे और उस हिसाब से बाद में डाल देंगे। यहाँ पर डाल देंगे 1/2 नींबू। हाथ इस तरीके से रख लें आप, या तो आपके पास अगर नींबू को निकालने का जूसर होगा तो उसमें आप निकाल लें, या हाथ इस तरीके से रखें तो दाने जो है वो आपके हाथ में ही आ जाते हैं, क्योंकि दाने अगर इसमें गिर जाएं तो फिर कड़वापन हो जाता है, इसलिए हमेशा इस तरीके से हाथ लेके आप इसे निकाल लिया करें। तो ये हमने निकाल लिया, बस अब इसको आपको अच्छे से मिलाना है। मिलाने के बाद एक 10 मिनट छोड़ दीजिए ताकि जो जायका है मिर्ची का, हल्दी का, नमक का, वो सारा प्रॉन के अंदर चला जाए और जो प्रॉन है वो फीके ना लगे। तो इसे छोड़ देते हैं सिर्फ 10 मिनट के लिए। यहाँ पे देखिए आपकी मर्जी, अगर आपको छोड़ना है तो आप छोड़ें, हम फिलहाल इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि इतना नरम होता है, उसी वक्त बन जाता है। लेकिन अगर आप मैरिनेट कर दें तो अच्छा जायका आता जरूर है, लेकिन हम इसी वक्त इसे इंस्टेंट बना रहे हैं क्योंकि हमने आपसे कहा है कि सिर्फ 5 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे। तो लीजिए दोस्तों, हमने गैस को ऑन कर दिया और अपने प्यारे से फ्राई पैन को इसमें रख दिया है। यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं कोकोनट ऑयल, आपकी मर्जी, ये हेल्दी होता है इसलिए कोकोनट ऑयल यूज कर रहे हैं। ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको जो ऑयल यूज करना है वो आप यूज कर सकते हैं। बहुत थोड़ा सा डालेंगे, 1 टेबल स्पून के करीब, ज्यादा इसमें नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जो तेल है वो भी गर्म हो चुका है, और बस अब इसमें डाल देंगे हम ये मसाला लगेगा प्रॉन। हमने ज्यादा देर तक मैरिनेट नहीं किया, इसी वक्त बना रहे हैं जल्दी से। इसको जल्दी जल्दी से आप सौते करिए ताकि अच्छे से इनका कलर चेंज हो जाए, और उसके बाद झटपट डालेंगे दूसरे मसाले। जैसा कि आपको बताया है, ये हाई फ्लेम पे पकाइएगा, अपना पानी छोड़ता है प्रॉन और फटाफट गल जाता है। जैसे ही इसमें थोड़ा सा पानी सूखेगा, कलर चेंज होगा, इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पानी सूख गया है, आपको साइज से पता चल रहा होगा, जैसे ही पानी निकल जाता है, जूस निकल जाता है प्रॉन का, तो ये थोड़े से साइज में छोटे छोटे से हो जाते हैं। तो बस देखिए अब यहाँ पे हो चुका है, जल्दी से डाल देंगे सारे मसाले। मसालों में कुछ यूं हैं कि डाल रहे हैं ढेर सारा लहसुन जिसे हमने चॉप कर लिया था, ये काफ़ी सारे हैं, कम से कम 20 जबे होंगे ये, और लहसुन बहुत हेल्दी होता है इसलिए आप जितना ज़्यादा डालें अच्छा ही है। अब साथ में चल जाएगी हरी मिर्च जिसे चॉप करके रखा था, आपके ऊपर है कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। साथ में चल जाएगी हरी प्याज, अब इसे एक बार मिला देंगे अच्छे से। हाई फ्लेम पे पका रहे हैं हम, बस अब इस पे ऊपर से जाएंगी 2 प्यारी प्यारी सी चीज़ें, वो है काली मिर्च, ब्लैक पेपर, तो आपके ऊपर है, यहाँ पर भी आपको कितना डालना है, हमें इसका जायका बहुत पसंद आता है तो हम 1 टीस्पून डाल रहे हैं। और साथ में जाएगा चिली फ्लेक्स, काफ़ी चटपटा सा बनाने को 1 टीस्पून, इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार से हमारा झटपट बन के तैयार हो गया है स्पाइसी वाला प्रॉन, स्पाइसी गार्लिक प्रॉन बनके तैयार हो गया है। अब आखिरी में थोड़ा सा खूबसूरती आने को, जायका आने को, एक चमक आने के लिए डाल देंगे थोड़ा सा बटर, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है जैसे रेस्टोरेंट में आती है। इसी तरीके से आप ज़रूर बनाइए। फ्लेम को इस वक्त बंद कर देंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे तो बटर की खुशबू, जायका और एक चमक आ जाएगी। तो लीजिए तैयार है, अब आप इसे राइस के साथ खाएं या चपाती पराठा जिसके साथ आपका दिल है खा लें, या इसे आप एज ए स्टार्टर भी खा सकते हैं। तो ये हो गया, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा बटर और ऐड कर दें, तो हमें ऐसा लगता है कि हम थोड़ा सा बटर और इसमें ऐड करेंगे।
ताकि जायका और बढ़ जाए। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है लहसुन की। चलिए हमने थोड़ा सा बटर और इस पे ऐड कर दिया। तो दोस्तों बस इसी तरीके से आप बनाइए और अपने ख्यालात का, अपने टेस्ट का इजहार जरूर करिए, कमेंट्स जरूर करिए, बताइए कि आपको हम जो रेसिपीज बताते हैं वो कैसी लगती है। और हमारा इससे बहुत ज़्यादा हम मोटिवेट होते हैं और हमें खुशी होती है जिस वक्त आप लोग बताते हैं कि आप लोगों को क्या पकाना बताऊं, किस तरीके से मदद करूं। तो ये हो गया है, अब आप इसको थोड़ी सी देर के लिए ढक के रख दीजिए ताकि अच्छे से खुशबू जो है एक दूसरे में मिक्स हो जाए। तो चलिए इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, सर्व करते हैं। बनते बनते ही चख के देखा है, खुशबू लाजवाब है और जायका तो हम आपको क्या बताएं। इतने जल्दी बन के तैयार हुई है ये डिश, इसलिए बस यही कहेंगे कि आप ज़रूर बनाइए और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे anjums.kitchen पे। अब आप चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा ऊपर से हरी प्याज और डाल दीजिए खूबसूरती के लिए, तो ये बिल्कुल भी रेडी है।